उन्होंने एक शो मैच खेडिया आपके मंत्री नूं फड़ के, क्योंकि वह शो मैच विखाउणा चाहुंदे सी गुजरात की जनता नूं, पंजाब की जनता नूं, क्योंकि बाय इलैक्शन सी ते हिमाचल के लोगों नूं कि मैं अपना मंत्री एक फड़ लिया, जबकि उस मंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं सी। मान साहब ने बिना सबूत तो लोगों च गल आए बिना आपका मंत्री फड़ के अंदर डकिया। इस गल की पूरी दुनिया के विच चर्चा हुई कि यह व्यक्ति करप्शन के मुद्दे से करप्शन के खिलाफ है, जीरो टॉलरेंस। साड़ी मंग यह सी कि जिहड़ा दूजा मंत्री है उहदी ऑडियो आ गई, आपके ओएसटी नाल सौदा कर रहा सी, गल कर रहा सी भी तू जाके डील कर ते फिर किदां आपां कम चलाउणा। उन्होंने ओएसटी ने वो ऑडियो रिलीज़ की, शरारी साहब मन गए कि वाकई ये जिहड़ी गलबात है मेरी हो रही है। अज तक विधानसभा भी फिर हो गई, असी लड़ाई भी की, बर्खास्त भी हो गए, सस्पेंड भी होए, बाहर मजारा भी किया, इसके बावजूद अज फिर हफ्ता बीत गया, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बेनती करनी चाहना, साढ़े तो तीन चार पांच डक ले है, जे नहीं डके तो दस दौ, लेकिन जेडे होर भी मन है उन्होंने जो करना वह करन, लेकिन दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जाएंगे। भाजपा वालों तो क्लीन चिट देती, साढ़े लोगों जान फुज के फड़ के भी इन्हों मगर मुड़ के ईडी लगी फिरूगी, तो सारे लोग या तो राजनीति छड़ देंगे ते जां फिर भाजपा का दामन संभाल लेंगे जिहड़ी बी टीम है उन्होंने। लेकिन दोहरे मापदंड ना अपनाओ, तुहाडे साथी की ऑडियो आई है, साढ़े किसी साथी की ऑडियो नहीं आई। मान साहब ने सरकार बंदियां एक सुनेहा दिता सी, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। उन्होंने गल कही सी कि पंजाब के अंदर अगर कोई करप्ट व्यक्ति मैनू दिखेगा तो बेशक वो मेरा आपका साथी होवे, मैं उन्हें फड़ के अंदर देंगा। और उन्हें लोगों ने पहला जिहड़ा एक शो मैच, मैं उन्हें शो मैच कहांगा, जिवें कि आप शो मैच खेडते हैं, उन्होंने एक शो मैच खेडिया आपके मंत्री नूं फड़ के, क्योंकि वह शो मैच विखाउणा चाहुंदे सी गुजरात की जनता नूं, पंजाब की जनता नूं, क्योंकि बाय इलैक्शन सी, ते हिमाचल के लोगों नूं कि मैं अपना मंत्री एक फड़ लिया, जबकि उस मंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं सी, सानू तो मिलिया नहीं। तो लोगों ने बड़ी वाहवा की भी मान साहब ने बिना सबूत तो लोगों च गल आए बिना आपका मंत्री फड़ के अंदर डकिया। इस गल की पूरी दुनिया के विच चर्चा हुई कि यह व्यक्ति करप्शन के मुद्दे से करप्शन के खिलाफ है, जीरो टॉलरेंस। हुण की होया, साड़ी मंग यह सी कि जिहड़ा दूजा मंत्री है उहदी ऑडियो आ गई, आपके ओएसटी नाल सौदा कर रहा सी, गल कर रहा सी भी तू जाके डील कर ते फिर किदां आपां कम चलाउणा। उन्होंने ओएसटी ने वो ऑडियो रिलीज़ की, तो शरारी साहब मन गए कि वाकई ये जिहड़ी गलबात है मेरी हो रही है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने पंजाब की विधानसभा में मांग की भी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री साहब आपका बयान देन। पहला तो 20-22 दिन कुछ नहीं किया, पर जिदे विधानसभा से कहते नोटिस हो गया, किसी ने यह गल समझ नहीं आई भी वह नोटिस की रहा है। सरकार का नोटिस है, मुख्यमंत्री का नोटिस है, विजिलेंस का नोटिस है, जान बुझ के गल ठंडे पासे च पाउण दे वास्ते कि नोटिस हो गया। असीं आख्या जिहड़ा नोटिस है सानू दस दिओ, मुख्यमंत्री साहब आपकी गल क्लीयर कर देन भी मैं इस तरीक नूं कार्रवाई कर देंगा, असी आपकी गल होर मुद्दों पर चर्चा करी। लेकिन अज तक विधानसभा भी फिर हो गई, असी लड़ाई भी की, बर्खास्त भी हो गए, सस्पेंड भी होए, बाहर मजारा भी किया, इसके बावजूद अज फिर हफ्ता बीत गया, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तक फौजा सिंह शरारी नूं बर्खास्त नहीं किया जाता तो कार्रवाई नहीं होती, तद तक कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी, उन्हां चिकर दम नहीं लेगी। मैं बेनती करनी चाहना, साढ़े तो तीन चार पांच डक ले है, जे नहीं डके तो दस दौ, लेकिन जेडे होर भी मन है उन्हां दा जो करना वह करन, लेकिन दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जाएंगे। और जेडी विंडेटा पॉलिटिक्स है, बदलाखोरी की भावना के नाल डबल स्टैंडर्ड,
भाजपा वालों तो क्लीन चिट देती, साढ़े लोगों जान फुज के फट के भी इन्हों मगर मुड़ के ईडी लगी फिरूगी, तो सारे लोग ज्यादा राजनीति छड़ देंगे ते जां फिर भाजपा का दामन संभाल लेंगे जिहड़ी बी टीम आ उन्हां दी। सो इस करके असीं इह कहिंदे आ जो करना करो लेकिन दोहरे मापदंड ना अपनाओ। तुहाडे साथी दी ऑडियो आई है, साढ़े किसी साथी दी ऑडियो नहीं आई।